नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू, यानी चैप्टर टू के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 17 पर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। हमारे भोजन में मेजर न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? समरी में दे रखा है इसका पेज 16 पर आंसर। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन द फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन वन का आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन टू, नेम द फॉलोइंग, निम्नलिखित के नाम बताइए। पहला है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को केवल एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया इसमें, ठीक है। बी पार्ट्स, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। जो हमारी वृद्धि के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस अर्थात टूट फूट के लिए जो होता है प्रोटीन, क्या आएगा इसमें प्रोटीन। ए विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, गुड आईसाइट मेंटेन करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए लिख देंगे आप। नंबर डी, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल की जरूरत है वो है कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस भी होता है। अब हो गया क्वेश्चन टू कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन थ्री, नेम टू फूड ईच रिच इन, दो फूड आइटम बताने जो निम्नलिखित न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें। फैट, फैट घी में, ऑयल में। नंबर बी स्टार्च, स्टार्च मिलेगा पोटैटो में, राइस यानी आलू और चावल। फिर डायट्री फाइबर, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट इन। नंबर डी प्रोटीन, प्रोटीन मिल्क में, मीट में, एग में, इनमें मिलता है। हो गया क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन फोर, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, जो सही है उन पर टिक का निशान लगाइए। By eating rice alone, केवल चावल खाने से, we can fulfill the nutritional requirement of our body। हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं चावल खाकर। गलत। बैलेंस डाइट के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जो चावल से नहीं मिल सकते, तो फॉल्स हो गया, कट का निशान। नंबर बी डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग बैलेंस डाइट। डेफिशियंसी डिजीज कंट्रोल की जा सकती है बैलेंस डाइट को खा करके, सही है। नंबर सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट बनाने के लिए बहुत सारे फूड आइटम चाहिए, करेक्ट। नंबर डी, मीट एलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। ये बिल्कुल एक ही बात है, एक ही प्रकार का खाद्य पदार्थ खाते रहेंगे तो बैलेंस डाइट नहीं होगी और जो है ये गलत हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरो। पहला है डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बोन बिकेम सॉफ्ट एंड बेंड, मुलायम हो जाती हैं, झुक जाती हैं, इस बीमारी का नाम है रिकेट्स। नंबर बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज्ड ए डिजीज नोन एज बेरी बेरी, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी भाई ये जो है वीक मसल्स, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क और कम ताकत रहती है शरीर में काम करने के लिए, तो इसमें विटामिन B1 आ गया। नंबर सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड ए डिजीज नोन एज स्कर्वी। कह रहा है विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है बच्चों?
ब्लीडिंग गम, मशूनों से खून आना है, और घाव ठीक होने में लंबा समय लगना, लॉन्ग टाइम टू हील द वुंड। अब इसके बाद में डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉस्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉस्ट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कमी से इन अवर फूड। तो बच्चों ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नाउ इन बुक बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज में यहां से लेके यहां तक, समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, इफ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी की डेफिनेशन होगी बच्चों। डेफिशिएंसी ऑफ वन और द मोर न्यूट्रिएंट कैन बी कॉल डिजीज और ए डिसऑर्डर इन द बॉडी, द डिजीज दैट ऑक्यूर्स, यहां से लेके यहां तक डेफिशिएंसी डिजीज की डेफिनेशन है बच्चों। डेफिशिएंसी दैट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी। निशान लगा लें, केवल पेपरों में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बैलेंस डाइट क्या है, पेज 14 पर देखें। यहां से द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। समझे नहीं, यानी कि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। या इसके लिए बच्चों, द फूड विच नॉर्मली ईट इन द डे इज अवर डाइट फॉर ग्रोथ। यहां से लेके यहां तक ले लें बैलेंस डाइट का, ये टेबल बना लेना किताब में 2.3। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ एक्स्ट्रा वर्क, और इसमें फिगर है नहीं बनाने के लिए खास। दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो एंड एंड ऑफ चैप्टर 2।